नमस्कार, स्वागत है आप सबका जीवीएन 24 पर। मैं हूं आपके साथ अनीशा भारद्वाज। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने गढ़वा जिले को तिलदा स्थित मैदान में शिलान्यास एवं उद्घाटन का समारोह आयोजन कर गढ़वा एवं दर्ड प्रखंड के लोगों के लिए लगभग 450 करोड़ रुपए का लागत का सौगात दिए हैं। इस दौरान मंत्री ने कहा कि इन 5 दिनों के अंदर 4 जगह नसल गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के जनता को लगभग 1300 करोड़ रुपए का विकास योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया गया है। इससे जनता को सीधा लाभ पहुंचेगा और झारखंड सरकार की यह नियत रही है कि आखिरी व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुँच सके। इसके लिए सरकार और प्रशासन दोनों मिलकर निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आइए दिन से आते हैं सामने। सर, 400 करोड़ की योजनाओं का सर आज उद्घाटन शिलान्यास किया गया। सर, लगातार कभी झारखंडी जनभावना की, झारखंडी जन सरोकार की सरकार है। आज तक जितने भी सरकारें भैया आई, चालू हाथ हो तुम बोलो तो पहले हम बात करो ना। लो ना, गुस्सा तो नहीं यार। चलो साधारो पीछे रहिएगा। चलो रुक रुकिए भैया। हाँ सर पीछे रखो, तू पे कर लेना है। हाँ भैया बोलिए। मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये झारखंडी जनभावना, झारखंडी जन सरोकार की सरकार है और जिस उद्देश्य से इस राज्य का निर्माण कराया गया कि अंतिम पंक्ति के लोगों को उनका हक अधिकार मिले, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये सरकार दृढ़ संकल्पित है। उसी का परिणाम है कि निरंतर सिर्फ गढ़वा में ही नहीं। फिलहाल इस खबर में तय। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए जीवीएन 24 के साथ।